सुपौल लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार दिलेश्वर कामेत के पक्ष में मध्य विद्यालय करजाइन के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सूबे के डिप्टी सीएम सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा, मोदी और नीतीश की जोड़ी आज घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जीबी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। चौधरी ने आगे कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज और किसान के खाते में रुपया पहुंच रहा है। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, आरक्षण पर लोगों में भ्रम फैला रहा है, जबकि विपक्षी के लालू प्रसाद यादव आरक्षण सिर्फ अपने परिवार को पहुंचा रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा, मोदी जी ने एक झटके में ही 370 हटा दिया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। इतना ही नहीं, लव कुश समाज होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य है जो राम को लाए हैं उनको दिल से समर्थन दें। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और पूर्व सीएम जीतन मांझी ने भी अपने संबोधन में विरोधी पार्टी पर हमलावर रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जदयू के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत को वोट करने की अपील की। इस मौके पर मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री नीरज कुमार सहित एनडीए घटक के तमाम नेता भी मौजूद रहे। 7 तारीख को आपके यहाँ मतदान होना है और 7 तारीख को सुपौल का भी भाग्य लिखा जाना है, इसके साथ साथ भारत का भी भाग्य लिखना है। और एक एक मत जब आप देंगे साथियों, इस देश में तय हो जाएगा कि आप मजबूत सरकार चाहते हैं कि मजबूर सरकार चाहते हैं। और आपने पिछले 2 बार से यहां से एनडीए के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर देश में एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया। इस राज्य को डबल इंजन की सरकार की, आज डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसे कायम रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार रहते हुए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आज विकास किया, चाहे विकास का मामला हो, लाइन ऑर्डर का मामला हो, उस प्रकार से हमारे बिहार को भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार की बहुत आवश्यकता है। मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आधी आबादी जो अंधेला में रहता था हर गांव तक बिजली पहुंचाया, आज कोई गांव अंधेला में नहीं है। हमारे बच्चे पलायन करते थे, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाते थे, आज हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल, आईटीआई से लेके हर पंचायत में उच्च विद्यालय। ये अभी के लिए बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24 न्यूज।